मैं ये बात बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज कादर साहब हमारे बीच नहीं रहे, और ये कहना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि वो हमारे बीच नहीं रहे, जबकि कादर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो उनका जिस्म नहीं है मगर उनकी आत्मा और उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे बीच हैं, और कादर साहब को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और जब तक ये फिल्मी दुनिया रहेगी कादर साहब हमारे साथ रहेंगे और उनका नाम रहेगा। अब मैं मेहुल जी से चाहूँगा एक दो शब्द बोलूँ। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट है कि जो मतलब एक अपनी जगह बना के जाते हैं और अपना एक मकाम बना के जाते हैं, और उस मकाम को हासिल करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगलर नए लोग जो इंडस्ट्री में आते हैं उनको अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। तो कादर साहब भी डेफिनेट एक ऐसे स्कूल थे जो स्ट्रगल करके स्टेज पर से इतना बड़ा मतलब एज ए आर्टिस्ट और एज ए राइटर उन्होंने एक अपना मकाम बनाया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें जब तक ये दुनिया रहेगी मैं ये कहूँगा कि कयामत तक लोग उनको नहीं भूल सकते। अल्लाह करे उनकी आत्मा को जन्नत नसीब मिले और अल्लाह उनका भूल सके। देखिए, कादर साहब के साथ मैंने कोई फिल्म नहीं की, एक ही फिल्म मेरे साथ वो कर रहे थे, आंसू बने अंगारे। अमित जी ने मुहूर्त क्लिप दिया था, उसका मुहूर्त भी था, मुहूर्त में वो थे लेकिन बाद में उनकी डेटा एडजस्ट नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे तीन तीन चार चार फिल्में उनकी फ्लोर पे रहती थी, एज ए राइटर भी एज ए एक्टर भी, तो काफ़ी डेटे एडजस्ट नहीं हुई, उसकी वजह से उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी थी। लेकिन मेरा जब स्ट्रगलिंग पीरियड था बिगनिंग में, जब मैं बम्बई आया था तो मेरे को उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया था कि स्टेज पे काम करो और स्टेज से फिर फिल्म में तुम्हारी एंट्री डेफिनेट होगी, और मेरी एंट्री फिल्म में हुई गुजराती स्टेज पर से। बाद में मैं आज इंडस्ट्री में जो हूँ, 40 साल का मेरे करियर में 37 फिल्म्स, तो कादर साहब की दुआएं भी मेरे साथ थी। थैंक यू। अनुभव की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कादर साहब ने जो जो फिल्में मेरे साथ की, यानी उनका ऐसा था कि जैसे मेरी पहली फिल्म यानी सुरमा भोपाली से उनकी दुआएं मेरे साथ थी, उनके साथ मैंने फिल्म की थी उम्र 55 की दिल बचपन का, जो टाइटल ही उनके ऊपर था, और काफ़ी म्यूजिकल कॉमेडी हिट फिल्म थी मेरी। उसके बाद में मैंने अनाड़ी नंबर वन की गोविंदा जी के लिए साथ में, तो भी वहाँ कादर साहब थे, और उसके अलावा मेहरबान में सदाशिव जी के साथ उन्होंने काफ़ी एक अच्छा काम किया, और काफ़ी मैंने जो एक फिल्म आई थी मेरी आग, जिसके अंदर भी सदाशिव जी और कादर साहब थे, तो उनके लिए स्पेशली मैंने छेड़छाड़ के रोमांटिक गाने बनाए थे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं हीरो के लिए काम करता था, गाने बनाता था, वैसे ही मैं जिन फिल्मों के साथ उनके साथ काम किया, तो कादर साहब को भी सामने रख के ही वैसे हीरो की तरह उनके लिए मैं गाने बनाता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतने बड़े दिग्गज के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और बस आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और उनके परिवार को ये सदमा सहने की हिम्मत अता करें। थैंक यू। राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा भी जब बॉम्बे में मैं आया था स्ट्रगल करने, तो मेरा भी बहुत बड़ा उनके साथ एक बहुत बड़ा मतलब कहिए कि एक आशीर्वाद मुझे जो मिला, वो बहुत कम लोग नसीब वाले होते जिनको अचानक मिल जाता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो स्टार है जिनको आप भूल नहीं सकते हो। सदियां बीत जाएगी, इंडस्ट्री जब तक रहेगी तब तक उनका कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ही बात है। और ये एक ऐसा हीरा, और वो एक ऐसे कोहिनूर हीरे थे जिनको लेके लोग सीखेंगे, अब वो हमारे लिए इंस्टीट्यूट बनेंगे। आदमी जिंदा होते हैं तब लाख का होता है, मरते तब 1.25 लाख का होता है, तो ये अरबों रुपए के हमारे लिए बन चुके कि राइटिंग लिखने से पहले, बोलने से पहले, कॉमेडी करने से पहले अब आप मजबूर होंगे कि कादर साहब को आपको देखना पड़ेगा, और वो देखने बाद आप जब सीखोगे आप कभी पीछे नहीं हटोगे। थैंक यू वेरी मच।